वालेकुम अस्सलाम। मैम आप ठीक हो? हाँ जी बेटा मैं ठीक हूँ। आप मैम इनको क्या निकालना है? मैम मैं ठीक हूँ। हाँ जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो? मैम इनको क्या निकालना है? उर्दू मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैम इनको क्या निकालना है? आप सब अपनी उर्दू वर्क बुक और आप अपनी मैथ वर्क बुक निकालेंगे। उर्दू वर्क बुक में आप पेज नंबर 26 निकालोगे। मैम खुशखत लिखाई मैं निकाल रही हूँ। आप सब अपनी खुशखत लिखाई की वर्क बुक निकालोगे पेज नंबर 26। मैम मैंने निकाली। वेरी गुड। खुशखत लिखाई में आप पेज नंबर 26 निकालोगे। पेज नंबर 26 खुशखत लिखाई में जो आपकी उर्दू वर्क बुक में पेज नंबर 26 मैं निकाली। मैम और कौन सी बुक निकाली है? और निकाली है मैथ्स वर्क बुक, वो भी आप आगे रखोगे ठीक है? कौन सी बुक निकाली है? मैथ्स वर्क बुक और उर्दू वर्क बुक आप निकालोगे। और उर्दू पेज नंबर 26 उर्दू वर्क बुक में ठीक है? मैं एक एक करके देखूंगी कि सबने निकाला है पेज नंबर 26। हाँ जी फातिमा वेरी गुड। वासिला वेरी गुड। मुसैब वेरी गुड। फरमान वेरी गुड। इर्तिजा जैनब रोल नंबर 6 सिट डाउन बुक निकाली आपने? मैं ढूंढ रही हूँ। ढूंढो जल्दी से निकालो पेज नंबर 26। मीसा मल्ली आपने निकाला पेज नंबर 26 जल्दी से। हाँ जी इखलास आपने निकाली। गुड बॉय। मीसम समझ आया? उर्दू वर्क बुक निकालनी है, रीडिंग बुक नहीं निकालनी है। मोहदिसा बेटा आपने निकाली? हाँ जी वेरी गुड। पेज नंबर 26 मासूमा मुश्ताक वेरी गुड। अहमद बेटा आपने निकाली? वेरी गुड। होरन नूरन आप लोगों ने निकाला पेज नंबर 26? हाँ यस मैम। ओके वेरी गुड। इर्तिजा बेटा आपने निकाली उर्दू वर्क बुक? इर्तिजा फयाज रोल नंबर 3 आपने निकाली उर्दू वर्क बुक? वेरी गुड। ओके इर्तिजा। अंसार आपकी बुक कहाँ है? अंसार माइक ऑन करो, बुक कहाँ है? मैंने भी निकाली। आपने निकाला पेज नंबर 26? मैम इनको पूरा पेज लिखना है। हाँ जी पूरा पेज लिखना है पेज नंबर 26। यामिन अली आपकी बुक कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम सफी हैदर वेरी गुड। यामिन अली सफी हैदर आपने अभी ज्वाइन किया है, आप अपनी उर्दू वर्क बुक निकालोगे पेज नंबर 26।
वेरी गुड अलवीना। इर्तिजा फयाज, बेटा आपने बुक ही नहीं दिखाई। इर्तिजा, इर्तिजा फयाज, ये वाली बुक दिखाई। हाँ जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। इर्तिजा बुक दिखाओ, बुक कहाँ है? गुड गर्ल, ओके बेटा। अंसार, आप दिखाएं अपनी बुक, बुक दिखाओ अंसार। सालिम, आपने भी रीडिंग बुक निकाली है, ये बंद कीजिए और उर्दू वर्ब बुक निकालिए, पेज नंबर 27, 6, ये बंद कीजिए। हाँ, उर्दू वर्क बुक निकालोगे आप। सईद होरबा, आपका कैमरा ऑफ है, आपने बुक निकाली? उर्दू खुशखत निकाय की वर्क बुक निकालनी है। वेरी गुड आईना। मीसम अली, आपने भी निकाली थी रीडिंग बुक, अब निकाली आपने वर्क बुक? यस मैम। ओके, तो चलिए कीजिए स्टार्ट। आज का पेज जो है, दैट इज पेज नंबर 26, ठीक है? तो आज की क्लास वर्क में आपको पेज नंबर 26 लिखना है, ठीक है? तो आप साफ साफ स्टार्ट करेंगे पेज लिखना, दैट इज पेज नंबर 26। मेरा पेंसिल कहाँ गया? तो ऊपर पहले आप लिखोगे क्लास वर्क और आज का डेट, ठीक है? यहाँ पे आज 11 है, मंथ है 9th 2021, ठीक है? क्लास वर्क, तो आपको पेज में क्या है, तेल तारे यरे तारे। तो जब आप लिखोगे ये तारे, तब आप लिखने के साथ साथ पढ़ोगे भी, ठीक है? तारे, तेल तारे यरे तारे। फिर है मीम अलिफ मा रे यरे मारे, मीम अलिफ मा रे यरे मारे। फिर है सिन अलिफ सा रे रे सारे, ठीक है? वाव अलिफ वा रे यरे वारे, वाव अलिफ वा रे यरे वारे। फिर है अलिफ हा रे यरे हारे। लास्ट वाला है किफ अलिफ का लाम यले काले, ठीक है? तो बिल्कुल आप साफ साफ लिखोगे, यहाँ पर आपको दिखा कर है, आप रेड लाइन पर यहाँ पर स्टार्ट करोगे इस तरह से, ते लिफ्ता, फिर है रे, फिर है बड़ी ये, ते लिफ्ता रे यरे तारे, ठीक है? बिल्कुल साफ साफ। फिर है मीम अलिफ मा रे बड़ी ये मारे, मीम अलिफ मा रे यरे मारे। फिर है सीन, सिन अलिफ सा रे यरे सारे। फिर है दूसरी साइड से वाव अलिफ रे यरे वारे। उर्दू वर्क बुक निकालनी है, पेज नंबर 26। हारे किफ अलिफ का लाम याले काले। इसी तरह से आप नीचे तक लिखते जाओगे पेज, पूरा पेज साफ साफ, ठीक है? जिन बच्चों ने अभी अभी मीटिंग ज्वाइन की है, वो भी अपनी उर्दू वर्क बुक निकालेंगे, पेज नंबर 26। हादी अली, उर्दू वर्क बुक निकालिए, पेज नंबर 26। सब लिखेंगे खुद से। पेरेंट्स खाली नजर रखेंगे बच्चों को, बाकी बच्चे खुद लिखेंगे पेज। सालिम, अपना कैमरा ऑन कीजिए। तौफीक बेटा, आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। वेरी गुड सालिम, चलो लिखो मेरे सामने अच्छे से। गुड बॉय, शाबाश। कैमरा ऑन, कैमरा क्यों आप ऑफ करते हो? हादी अली, कैमरा ऑन कीजिए। जिसका कैमरा ऑफ होगा उसको रिमूव करूंगी मैं। आपको जैसे आएगा खुद लिखो। तौफीक कैमरा ऑन करो। हादी अली कैमरा ऑन कीजिए।
वेरी गुड, निकालो उर्दू वर्क बुक जल्दी से, पेज नंबर 26 है, क्लास वर्क वही लिखना है आपको। तौफीक कैमरा ऑन कीजिए, मैं समझ ली। चलो लिखो जल्दी से पेज नंबर 26। इर्तिजा बेटा लिखो जल्दी से। वेरी गुड फरमान, वेरी गुड वासला। हाँ जी सईद हुरबा। हाँ जी बेटा, मैं तो पानी पीने पानी पीने जाना है। चलो पियो। वेरी गुड आईना। वेरी गुड, लिखा बेटा, दिखाए मुझे। मैंने लिखा। हाँ जी फातिमा, दिखाओ मुझे। वेरी गुड, मैम कितना लिखा है? पेज नंबर 26 लिखना है। वेरी गुड फातिमा, बहुत अच्छा लिखा है, नीट एंड क्लीन, गुड गर्ल, एक्सलेंट। थैंक यू मैम, वेलकम। शाबाश पूरन पूरन, वेरी गुड, लिखो जल्दी से। फरमान लिखो जल्दी से, गुड बॉय। सालिम लिखिए जल्दी से। मैंने लिखा। किसने लिखा? क्लास ने। मुसैब ने लिखा। वेरी गुड मुसैब, बहुत अच्छा, गुड बॉय। एक क्लास बेटा आप दिखाइए, वेलकम। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय एक क्लास, वेरी गुड। लिखा। और किसने लिखा? आईना ने लिखा। लिखा। हाँ जी आईना। मैं मोहम्मद सलीम ने लिखा। वेरी गुड आईना, वेरी गुड, गुड गर्ल। मैं मोहम्मद सलीम। आपने लिखा? हाँ मैं ही आपको बोल रही हूँ फातिमा, मैं वासला को बोल रही हूँ। ओके बेटा लिखो जल्दी से। सालिम आपने लिखा? यस मैम। दिखा मुझे, खुद लिखा आपने? यस मैम। ओके बेटा, गुड बॉय। सफी हैदर लिखो जल्दी से। वेरी गुड। ने भी लिखा। दिखाओ मुझे शाफिया। मैंने लिखा। हाँ जी मोहदिसा, वेरी गुड। मैम शाफिया ने लिखा उसका चेक। हाँ जी शाफिया दिखाए। हाँ जी वेरी गुड शाफिया, गुड, बहुत अच्छा। ऊपर इसको क्लास वर्क और आज का डेट। थैंक यू मैम, गुड गर्ल। शाबाश, बाकी भी लिखेंगे जल्दी से साफ साफ। पेज नंबर 26 है आपकी क्लास वर्क।
मैम मेरी बहन को एक फोन मैं उठा सकती हूँ? उठाओ बेटा। किसने लिखा? मैम अलवीना ने लिखा। अहमद दिखाए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड गुड जी। वेरी गुड। हाँ जी अलवीना दिखाए बेटा। वेरी गुड गुड गर्ल। बहुत अच्छा रखो बेटा। मासूमा मुश्ताक आपने नहीं लिखा अभी तक? लिखो जल्दी से। दूसरा पेंसिल बाहर निकालो मुंह में से। नूरन शाबाश लिखिए जल्दी से। वेरी गुड। इत्तिजा फयाज बेटा लिखो। सईद हुरबा आपने लिखा? मैं भी लिख रही हूँ। लिखो जल्दी से। मीसम अली आपने लिखा? लिखो जल्दी से। शाबाश वेरी गुड। वेरी गुड लिखिए जल्दी से। शाबाश। मैं बस लगता पाचक कीजिए। अदीबा आप कहाँ थी अभी तक? एक क्लास खत्म होने को है और आपने अब ज्वाइन किया। हाँ जी वासिला। लिखा। वेरी गुड वासिला बहुत अच्छा। आई डोंट बिलीव कि वासिला ऐसा लिखती है। एक्सीलेंट वेरी गुड। हाँ जी यामिन अली बहुत अच्छा। वेरी गुड। मुझे पहले आप दिखाए। वेट फरमान बेटा। हाँ जी बहुत अच्छा इंतजा। गुड गर्ल वेरी गुड। हाँ जी तौफीक एजाज बेटा आप दिखाए अपनी बुक। तौफीक कैमरा आपका ऑफ है। तौफीक कैमरा ऑफ। मैं मुझे ऑन ही नहीं होता है कैमरा। कैमरा पे कीजिए ना क्लिक। हाँ जी फरमान बेटा तब तक आप दिखाइए। यस बेटा फरमान वेरी गुड। बहुत अच्छा गुड बॉय। वेरी गुड। पहले सफी हैदर दिखाएगा। सफी हैदर आगे दिखाओ बुक को। पेज नंबर क्या है इनको वर्कबुक में? वेरी गुड बहुत अच्छा। हम अभी उर्दू वर्कबुक में काम लिख रहे थे तो वो था पेज नंबर 26। गुड बॉय सफी हैदर रखिए बेटा। वेरी गुड। हाँ जी हो रहे नूरन आप लोगों ने लिखा? सईद हुरबा ने लिखा। सईद हुरबा दिखाए।
वेरी गुड मैम। आप दिखाइए मैम ट्रॉफी के जज का देखिए। वेरी गुड हादी अली रखिए बेटा। हाँ जी तौफीक आपका कैमरा ऑन हुआ। मैम मिस अमन ने लिखा। कैमरा ऑफ है तौफीक। मुझे कैमरा खुला है। मैम खुला है मुझे नहीं फिर दिखाई देता। आपका कैमरा ऑफ है। अदीबा मैम मिस अमन ने लिखा था ये वाला पेज। मैम मिस अमन ने लिखा। मिस अमन दिखाए बेटा। अहमद नोमान क्या बात है? वेट कीजिए सबका क्लास वर्क चेक करूंगी पहले। गुड बॉय वेरी गुड रखिए। मैम किसके सब्जेक्ट क्या निकालना है? मैथ्स बुक निकालनी है वर्क बुक पेज नंबर 77। ओके अब आप निकालिए अपनी मैथ्स वर्क बुक पेज नंबर 77। ठीक है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपनी माइक आप ऑफ रखिए आपको तभी मैम की आवाज आएगी। ठीक है तो आपकी उर्दू वर्क बुक में आपको पेज नंबर 26 जो है वो आज की क्लास वर्क थी। ठीक है और होमवर्क में आपको पेज नंबर क्या निकाला है आप जरा पहले मेरा सुनिए उसके बाद आप वहां से बोलोगे। पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28 इन योर उर्दू वर्क बुक वो आपकी होमवर्क है। ठीक है उर्दू वर्क बुक में पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28। ओके बेटा वेट कीजिए। पेज नंबर 27 उर्दू वर्क बुक में आपकी होमवर्क है। ठीक है और है पेज नंबर 28। पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28 आपकी होमवर्क है उर्दू वर्क बुक में। ठीक है तो दो पेज आपकी होमवर्क है उर्दू वर्क बुक में। समझ आया सबको? मैम मौसम स्टॉप लिखा क्या पेज मुझे। ओके वेरी गुड मुसैब। मौसम आपका कैमरा ऑफ है। मैम पेज में क्या निकाला है? मैथ जोर बुक में पेज नंबर 77 निकालना है। हाँ जी मासूमा वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको पेज नंबर 27 एंड 28 उर्दू वर्क बुक में होमवर्क है। ठीक है रखो बेटा बाय। तो आपको आज पेज नंबर 77 करना है क्लास वर्क आपकी मैथ्स वर्क बुक में। तो ऊपर आप लिखोगे आज का डेट दैट इज 11th of September 2021। ठीक है सब लिखेंगे ऊपर आज का डेट। सब ने निकाली मैथ्स वर्क बुक। पेज नंबर 77 पेज नंबर 77 सब निकालेंगे। पेज नंबर 77 मैथ्स वर्क बुक में निकालिए पेज नंबर 77 निकाला। वेरी गुड मैम चौथे से सीधे निकाला। मैम मेहमान ने किया। वेरी गुड सब निकालेंगे। मैम मैंने निकाला। क्लास वर्क में हमें पेज नंबर 77 करना है। ठीक है अलिया आपने भी लेट क्लास ज्वाइन की है।
आपको भी 26 पेज नंबर करना था इसमें उर्दू वर्कबुक में, ठीक है, तो वो आप करोगे बाद में, और पेज नंबर 27 एंड 28 आपकी होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें आपने परसों घर में क्लास वर्क की होगी, वो भी प्रोडक्ट पे ही थी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें आज जैसे इस तरह से आपने ये वाला पेज किया होगा घर में, इसमें भी आपको इंट्री ही करना था, प्रोडक्ट ही निकालना था, ठीक है। तो प्रोडक्ट में यूजुअली हम क्या करते हैं, उसमें आपको जो आप टेबल लर्न करते हो वही आपको यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ आ रही है बात? Yes, yes, ma'am. तो यहाँ पर आपको करना है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम बोलते हैं नतीजे को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 42 जो है उसको आपको प्रिंट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपको मल्टीप्लाई बोला जाएगा ना, कहीं पे कोई आपको बोलेगा कि मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई की साइन इस तरह से होती है, क्रॉस जैसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, इस वाली साइन को, इस वाली निशानी को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। सब यहाँ पर फोन की ओर देखेंगे, ये जो ये वाली साइन है इसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये वाली साइन है इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको समझाया है इससे पहले। इस वाली साइन को क्या बोलते हैं, इस वाली साइन को हम एडिशन बोलते हैं। पढ़ना है वो हमें मल्टीप्लीकेशन के ही बारे में पढ़ना है। तो मल्टीप्लीकेशन की साइन किस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। ये जो क्रॉस जैसा होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। ओके, अब आप अपनी माइक ऑफ रखिए। अब हमें नंबर यहाँ पर देकर है आपकी एक्सरसाइज में, एक तो है 4, दूसरा है 2, ठीक है, 42 है नंबर। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है, किससे करना है, इस 2 से, ठीक है, 2 से हमें इनको इंटू करना है। तो पहले हम कैसे करेंगे, इस तरह से 2 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 वेरी गुड। तो फोर हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने 4 लिखा इधर, फिर इसी 2 से हम इस 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 8, तो वो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो है 84, तो 84 यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 42 को, तो वो निकलेगा 84, ठीक है। मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, इसी तरह से है अब क्वेश्चन नंबर 2। तो 21 है यहाँ पर नंबर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो 2 का टेबल आपको लर्न है, तो पहले हम यहाँ पर करेंगे 2 1 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसी 2 से इस 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 42 आंसर आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है 3 और 6 को, ठीक है। तो 2 3 6, तो 6 लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 6 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 12, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है ये। मैम, हाँ जी मैम, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 77। फिर फोर्थ वाला पार्ट, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे 3 2 8 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 3 से करेंगे 3 को, 3 3 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर, 96, ठीक है। उसके बाद है 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है 4 और 3 को, 3 3 9,
थ्री फोर आर ट्वेल्व, ठीक है, तो 129 आएगा। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आपको करने हैं, ये भी थ्री से ही है, ठीक है, तो आपको लर्न है, फोर से ही। मैं मिस सेवन का लिखा। आपने सेवन का टेबल अभी लर्न नहीं किया है, तो उसमें से आपको तीन पार्ट्स है यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ जी, मैंने शॉपिया ने सेवन का टेबल लर्न किया है। ओके, तो जिसको लर्न होगा सेवन का टेबल, तो वो ये पार्ट अच्छे से कर सकता है। सेवन वन आर सेवन, सेवन फाइव आर थर्टी फाइव, सेवन आर सेवन, सेवन टू आर फोर्टी, सेवन वन आर सेवन, सेवन थ्री आर ट्वेंटी वन, ठीक है। समझ ले लिखा। मैम अहमद को चेक कीजिए। मैम क्लास में भी लिखा। वेरी गुड अहमद, क्लास आपने किया? मैम मैंने भी लिखा। मैंने आपको वो पेज दिखाया ना, जिससे जिससे मैंने बुक्स लिए थे, उनको रखे दिए थे। मैम अलवीना का चेक कीजिए। हाँ जी अलवीना बेटा, मैम समय का चेक कीजिए। वेरी गुड अलवीना, गुड मीसम, आप ऊपर दिखाएं बुक को। हाँ जी, वेरी गुड, रखो बेटा। मैम ये फुल पेज करना है? हाँ जी बेटा। मैम आईना रियाज ने किया? मैम उसको मुश्ताक ने लिखा। हाँ जी बेटा, क्लास ने लिखा। मैम शौफिया को ये वाला पार्ट समझाइए, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। कौन सा पार्ट? मैम ये वाला जो सिक्स के टेबल में। हाँ जी बेटा आपका मैंने देखा। हाँ जी शाफिया, इसको आपको सिक्स से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम सिक्स को, सिक्स से करेंगे फाइव को, ठीक है। सिक्स फाइव फॉर थर्टी, थर्टी, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? थर्टी, थर्टी बराबर नहीं लिखेंगे, ये कैरी वाला है, तो इसमें हम पहले खाली जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो, तो लिखो जीरो। वेरी गुड, और थ्री को आप कैरी करोगे टू के ऊपर। ठीक है, अब वहां पर थ्री और टू है। अब पहले हम सिक्स को करेंगे मल्टीप्लाई टू के साथ, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, हम डायरेक्टली थर्टी नहीं लिखेंगे, तो थ्री को हम यहाँ पर कैरी करेंगे टू के ऊपर। फिर इसी सिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। वेट कीजिए, सिक्स ट्वेल्व और थ्री कितने हो गए? ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो यहाँ पर आएगा 15. समझ आया शाफिया? यस मैम। तो जहाँ पर आपको पहले वाले नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको वहाँ पे डबलिंग में नंबर आएगा, तो हम बराबर डबलिंग में नंबर नहीं लिखेंगे, तो एक उसमें से कैरी जाएगा। समझ आया? यस मैम। मैम अपना मुश्ताक का चेक कीजिए। हाँ जी बेटा, मैं समझ का चेक कीजिए। मैं फातिमा बिंत ने लिखा। वेरी गुड मासूमा। मैंने अभी लिखा। मैं फरमा फैज ने लिखा। वेरी गुड फातिमा। मैं मिस समल ने लिखा। हाँ जी मिस समली। मैम आईना रियाज ने लिखा। वेरी गुड मिसम आईना, वेरी गुड, लकीरें खूब मार के है, चले उसमें क्या कर सकते हैं। वेरी गुड,
मैम फरमा फयाज ने लिखा। मैम मैंने लिखा। हाँ जी बेटा शाफिया शफी ने लिखा। वेरी गुड शाफिया। शेयर कीजिए। फरमान वेरी गुड। मैम मेरी दोस्त ने लिखा। जेके पीएनजी के मैम मेरी दोस्त ने लिखा। हाँ जी इंतजार। मैंने लिखा मैम। मैम पूरा नूरा ने लिखा। दिखाइए। मैम ये देखिए। मैम मुझे नूरा ने लिखा। मैम पूरा लिखा। कैमरा ऑफ हो रहा है। थैंक यू मैम। ये देखिए हो रहा था। मैम मुझे मैम मैंने हुरन नूरे का दिखाया। हाँ जी बेटा मैंने देखा। मुसैब दिखाया। वेरी गुड वेरी गुड। रखो बेटा। हाँ जी वासला। Very good. Thank you, ma'am. Welcome. Mohammed Muqaddas. Yes. Okay. ये क्या आपने ये 25 को गलत है? मैम वहाँ पे क्या लिखा है? मैम इंतज़ार जनम ने लिखा इंतज़ार जनम का चेक कीजिए। ये गलत है। आपको खुद नहीं आता है माइक फ्लाई करना। आपने जो इसको दिखाया है मैंने वही ये वाला पार्ट दिखाया।